हेलो एवरीवन, इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिनसे बातचीत नहीं हो रही है, टोटली नो कांटेक्ट है या बातचीत होती भी है तो बहुत कम हो रही है, पहले जैसे नहीं हो रही है। आप जानना चाहते हो क्या पहले जैसे चीज़ें होगी, दोबारा से कांटेक्ट में आओगे या पहले जैसे बातचीत होगी आप दोनों के बीच। हाँ तो कब तक होगी, आखिर चाहते क्या हैं आपके पार्टनर आपसे, आपके रिश्ते से, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ लव रिलेशनशिप में, रिश्ते में, क्या कभी ज़रूरत पड़ी तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, क्या आ रहे हैं आपके लिए मैसेज, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, उनसे कनेक्ट खुद को कीजिए, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर से कर लें कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो चलिए चेक करते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट में, वो क्या सोचते हैं। फाइव ऑफ वांड्स, एरियस, लियो, सजिटेरियस, आपके पार्टनर को ना किसी बात पर, किसी बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल लड़ाई करने वाले मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका बस चले तो बस आपसे फाइट करने लग जाए राइट नाउ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं या तो आपका खुद का शाइन हो सकता है। आपके पार्टनर को ना थोड़ा सा ट्रस्ट इशू मैं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ का एक नई शुरुआत कर लिया है, जो आपके दिल में, आपके मन में जो आप इनके लिए फीलिंग्स था, इमोशंस था, वो ख़त्म हो गई है और आप किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी और के साथ नई शुरुआत कर रहे हो, कर लिया है आपने। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर को गुस्सा दिला रही है, फ्रेंडशिप की ओर आप बढ़ रहे हो, लव रिलेशनशिप की ओर, रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो, ये चीज़ इनको गुस्सा दिला रही है। आपके पार्टनर का ना ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, जो आप दोनों के बीच फाइट हुआ है आप सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और करते भी हो तो सही से नहीं करते, ये इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बाकी जो आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, आई थिंक हुआ है, उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके साथ फाइट नहीं हुआ है तो मुझे किसी के साथ फाइट दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुआ है, किसी के साथ इन्होंने नई शुरुआत किया था, न्यू बिगनिंग किया था, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर किसी को पसंद करने लग गए, आप दोनों के बीच किसी और को ले आए, उनके साथ मुझे फाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिनके वजह से आपसे दूर हुए थे, आपसे नो कांटेक्ट जोन में गए थे या आपको चीट किया था ना, मुझे उनके साथ फाइट दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ फाइट नहीं हुआ है, 5-5 महीने हो गया है या 5 वीक्स हो गया है कि बातचीत तो बंद है, 5 डेज भी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर काफ़ी दिन हो गए आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, 5 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे किसी और के साथ इनका फाइट दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स ये है ना कि मैंने इसके लिए उसको छोड़ा, उसे नो कांटेक्ट किया, उसको चीट किया, उसको धोखा दिया, उसको हर्ट करा, उससे फाइट किया, और यही मेरे लिए ऑनेस्ट नहीं है, यही मुझसे फाइट कर रहे हैं, यही मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अपने प्यार को छोड़ा, जो व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता था, जो मेरे लिए इतना डेडिकेटेड था, मैंने उसको छोड़ा, और देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं मेरे साथ, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और क्या इनकी फीलिंग्स, मुझे ना ये भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स या तो आर या तो पार, ठीक है, इनको कुछ बड़ा करना होगा तभी ये आपको पा सकते हैं, और अब ना कोई डिसीजन लेना ही होगा, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपका साथ पाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए या आपकी ओर आने के लिए, इनको किसी से फाइट करना होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ, करेज के साथ कुछ करना होगा, इस रिश्ते के लिए फाइट करना होगा। या आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको पाने के लिए, आपको अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड बनाने के लिए, ठीक है। मुझे ना ये भी दिखाई दे रहा है ऑलरेडी किसी के साथ फाइट हो रहा है, मदर, सिस्टर या वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। मुझे किसी के साथ फाइट दिखाई दे रहा है इनका, और रीज़न, वजह आप ही हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ये जो व्यक्ति हैं जो कि मेरी व्यूअर्स के मन में हैं,
मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? वो डेफिनेटली करना चाहते हैं, सिर्फ बात ही नहीं, आपको अपने फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। पर आई थिंक कोई लोग अगेंस्ट है यहाँ पर ना, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या तो आपके टीनेज बच्चे हैं या तो इनके हो सकते हैं कुछ लोग ले, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। कोई मैच्योर एनर्जी इनके लाइफ में है, आपके लाइफ में है, या इमैच्योर एनर्जी में ये कभी रहे हैं, या तो आपका है ऐसा फील करते हैं, मुझे कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई तो इमैच्योर एनर्जी में है यहाँ पर, या तो थर्ड पार्टी, ठीक है, जैसे ये राइट नाउ परेशान हो चुके हैं। कोई तो है जो कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, जो कि आप दोनों के बीच फैमिली नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है, या तो इनके बच्चे, या तो आपके बच्चे, या तो कोई और थर्ड पार्टी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे ही हों, पर मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दिया है। कोई तो अगेंस्ट हैं, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकते हैं जो कि आपके रिश्ते के खिलाफ हैं, ठीक है, पर हाँ कांटेक्ट में आना चाहते हैं ये, आपके बात करना चाहते हैं ये, सिर्फ बात नहीं, आगे तक सोच रखा है इन्होंने। आपको अपना फैमिली मानते हैं ये डेफिनेटली, कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ, फैमिली वाली वाइब्स मिलती है इनको आपसे, या तो फैमिली थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों के बीच। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनको, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड लेंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर स्टैंड लेंगे? डेफिनेटली गाइस चेंजेस आएंगे मैं, ठीक है, समय बिल्कुल इनको बदल देगा, इनके लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे ये पर्सन टोटली बदल कर चेंज होकर आपके लाइफ में एंट्री करेंगे या तो कंप्लीशन लाएंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 10 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाला जो अक्टूबर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर अक्टूबर मुझे लग रहा है एक बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में गुड लक लेकर आ रहे हैं, ये आप दोनों को कंप्लीशन कराने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, बस नॉर्मल बातचीत हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मैं कुछ ऐसा फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ ना कि कोई मेजर चीज घटित हो रही है आप दोनों की लाइफ में, लव लाइफ में, या तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, आप किसी के वाइफ हस्बैंड बनने जा रहे हो, इनका हो सकता है, और अगर इनका आपका फाइट चल रहा है, इनको आप नहीं चाहते, बिल्कुल आपकी मर्जी जो आप चाहो, ठीक है, पर आप कुछ टॉक्सिक लोग को, अनहेल्दी लोग को निकालोगे अपने लाइफ से, जो कि आप कोई सर्व नहीं कर रहे थे निगेटिविटी के अलावा, ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी के अलावा, वो बिल्कुल आपके लिए अनहेल्दी थे, वैसे लोगों को आप मुझे अपने लाइफ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर मैं देखूँ कि क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो यस रीडिंग में आया है यस, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्यार को समझेंगे, आपकी वैल्यू जानेंगे, कितना इम्पोर्टेंट हो, क्या मायने रखते हो, इनके लाइफ को कंप्लीट करते हो, बिल्कुल ये समझेंगे कि आपने चेंज किया है इनको, इनके लाइफ को, और आप पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो, आप ही हो जो कि इनके लाइफ में पॉजिटिविटी खुशियाँ ला सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके लाइफ में किसी के साथ तो प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली है, किसी के साथ फाइट हो रहा है, कहीं से निकलना चाहते हैं, मन में बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इनके लाइफ में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किसी के हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पर बन नहीं पा रही थी, तो आई थिंक मुझे डाइवोर्स दिखाई दे रहा है, शादी मुझे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रही है, या किसी के साथ शादी करने जा रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, वो टूट रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ ज़रूर हो गई इनके लाइफ में जिससे ये बदल जाएंगे, इनके थॉट्स में, इनके एनर्जी में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनमें बदलाव देखने को आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पर 10-10 अगेन देखा, ठीक है, 10-10 देखी, यहाँ पर नंबर्स आए हैं, मैंने यहाँ पर भी 10-10 देखा, तो कंप्लीशन होने जा रहा है आपका। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ किसी के तरफ से इनको चीट मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, जैसे चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, ये पर्सन वापस से आपकी ओर मुझे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं,
तो कब तक आप दोनों कांटेक्ट में आओगे, यूनिवर्स मुझे बता दीजिए ये दोनों कब तक कांटेक्ट में आएंगे। सामने वाले की तरफ से आएगा, ठीक है, डेफिनेटली जो ऑफर है सामने वाले की तरफ से आ रहा है, आपको ऑफर मिलने वाला है 4 वीक्स के अंदर। आने वाला जो 4 वीक्स है, 4 मंथ्स है, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। 4 मंथ्स तक डेफिनेटली आपको ऑफर मिलेगा, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगी, ऑफर मिलेगी, और वो जो ऑफर है वो बड़ा होगा, बिग होगा। तब तक आपकी एनर्जी में भी मैं चेंजेस देख पा रही हूँ, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होंगे, इंतज़ार कर कर के थक चुके होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है, आपके पास बेटर चॉइसेस होगी, ऑप्शंस होंगे, तो आप देखोगे कि इतने दिनों के बाद आए हैं तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी नहीं है जितना पहले थी आपको, ठीक है, या अब है। तो ये एनर्जी मुझे मिल रहा है, तो आप मुझे इग्नोर करते हुए, थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हुए, ज़्यादा ध्यान ना देते हुए दिखाई दे रहे हो। पर हाँ, आपको 4 मंथ्स के अंदर ऑफर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, करियर पर फोकस बना कर रखिए, खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए हर तरह से। किसी का न्यूज़ ले रहे हो, खबर ले रहे हो, किसी के बारे में पूछताछ कर रहे हो, स्पेशली आपके पार्टनर के बारे में, ये मत कीजिए, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी ऐसा है कि फ्रेंड्स को आपने लगा रखा है, किसी के थ्रू आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में खबर ले रहे हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इनके फ्रेंड, आपके फ्रेंड, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो, जिस भी थ्रू आपको न्यूज़ मिलते हैं इनसे रिलेटेड, वो आपको नहीं मिलना है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी के बारे में कोई खबर नहीं लेना है, नहीं देना है, खुद पर फोकस कीजिए, इन पर नहीं। जब खुद पर फोकस करोगे, ये खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो फोकस इनसे हटाकर खुद की लाइफ पर करना है आपको, ठीक है। यह रहे आपके लिए मैसेज। और अगर किसी की तरफ से मैसेज मिलता है, आपको किसी के थ्रू इनसे रिलेटेड मैसेज मिलता है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, सरेंडर करना है, यूनिवर्स को सौंपना है, ओके, सिचुएशन को, खुद को, अपने रिश्ते को। यह है आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।